तो गाइस तरह तरह के एनिमल्स है यहाँ पे और काव्या का तो बहुत मजा आ गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइस आज है संडे और मुझे मम्मी ने नई टी शर्ट दी है जो बाजार से नई खरीद के लाए थे, तो देख सकते हैं आप जैसी लग रही है कॉमेंट पे बताइए। तो चलिए चाय नाश्ता कर लेते हैं, चाय नाश्ता करने के बाद चलेंगे गाड़ी साफ करने के लिए क्योंकि बहुत ज्यादा धूल मिट्टी लगी हुई है, तो गाड़ी साफ करने जाएंगे, पहले कर लेते चाय नाश्ता। मेरी बहन मुझसे रूठी हुई है, मुझे मेरे साथ बोल नहीं रही है, चलो कोई बात नहीं। फाइनली गाइस चाय नाश्ता कर लिया है और चलते हैं गाड़ी साफ करने के लिए, बहुत ज्यादा धूल मिट्टी लगी हुई है। फाइनली गाइस हमने गाड़ी कम्प्लीटली साफ कर दी है, एकदम नए जैसी कर दी है। चलते हैं गाइस अभी दुकान पे। फाइनली गाइस दुकान पे आ चुके हैं और हमारे साथ में आज हमारे पुराने दोस्त केकड़ा भाई आए हैं। हेलो बोल दो। हेलो। तो गाइस दोपहर के बाद कुछ ऐसा सोच रहे हैं, जू में जाना है टाइगर देखने के लिए, तो सोच रहे हैं टाइगर देखना, लेकिन न्यूज वाले कुछ ऐसा बता रहे हैं कि दोपहर के बाद शायद तूफान आने वाला है, तो देखते हैं तूफान आएगा तो नहीं जाएंगे, घर पे व्लॉग बनाएंगे, अगर नहीं आया तो जाएंगे जू में घूमने के लिए और टाइगर देखने के लिए, तो बने रहे वीडियो में एंड तक। तो गाइस दोपहर का 12:30 हो चुके हैं, तो अभी चलते हैं घर पे खाना खाने के लिए। फाइनली खाना खा लिया है और अभी पापा खाना खा रहे हैं, तो अभी हम थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर 3:30 निकलेंगे यहाँ से जू के लिए टाइगर देखने के। तो गाइस 4 बज चुके हैं और मैं तैयार हो चुका हूँ, लेकिन काव्या अभी तैयार नहीं हुई है, वो तैयार होते ही हम निकल पड़ेंगे जू में। ये जो तूफान भी जो आने वाला था वो भी तक आया नहीं है, बिल्कुल शांत है, तो चलते हैं। चलो काव्या रेडी? हाँ। ठीक है चलो। अरे वाह काव्या इतनी संस्कारी हो गई। फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा लग रही है। तो फाइनली गाइस टिकट ले लिया है और हम दोनों आ चुके हैं अंदर, तो अब चलते हैं। तो गाइस देख सकते हो यहाँ का नज़ारा। गाइस बहुत ही अच्छी अच्छी वाइब्स आ रही है जंगल में, जैसा जंगल जैसा फील हो रहा है यहाँ पे और अच्छा लग रहा है क्योंकि एक तरह का जू है। तो गाइस हम लोग आए हैं अभी सूरत के सरथाना जकातना का जू पे और बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, शायद दूसरी बार आए हैं, ठीक ना काव्या? दूसरी बार आए हम, दूसरी बार आए हैं, कम से कम 8 से 9 साल बाद आए हम यहाँ। उसको बहुत मजा आ रहा है देखिए। बंदर ये रहा, लंबी चोंच वाले बगले, क्या बोला तूने? यहाँ पर है लोमड़ी, कहाँ है दिख तो नहीं रहा है, ये रहा लायन और टाइगर देखने, लायन और टाइगर देखने हैं। अच्छा देखते आगे होगा ना, इधर कुछ है।
फाइनली गाइस काविया और मैंने टाइगर देख लिया और चीता भी देख लिया। तो अब चलते हैं आगे। कोई दूसरा टाइगर इतने करीब से यहाँ पे है। लायन देखते हैं। यहाँ पर है भालू। इसका वजन 90 से 115 किलो। ओ भाई। और इसकी लाइफ है 20 से 25 साल। क्या तू भालू जैसी लगती है कि भालू तेरे जैसा लगता है क्या? तो गाइस घूमते घूमते थक गए, थोड़ा पानी पी लेते हैं। बोल अब कहाँ जाना है? अब चलेंगे आगे। अभी तक हमने देखा है मगर तक, अभी यहाँ से आगे जाना है। ये उसका मैप है पूरा। ये देख मस्त जगह है बैठने के लिए। तो गाइस तरह तरह के एनिमल्स है यहाँ पे और काव्या का तो बहुत मजा आ गया है। बहुत अच्छा लग रहा है काव्या। अच्छा है ना? ठीक है फिर। यहाँ पे तोते हैं। तोते जो कांटे फेंकने वाली आती है ना, हाँ कांटे फेंकती है ये।
फाइनली गाइस बहुत मजा आया, बहुत तरह तरह के एनिमल्स थे यहाँ पे और बर्ड भी थे कई सारे, तो बहुत मजा आया मुझे और काव्या को, हम दोनों आए थे इधर। तो अब जाते हैं वापस घर पे। फाइनली गाइस हम लोग बाहर निकल चुके हैं जू के और अभी हमारा बादाम शेक आ गया है यहाँ पे। फाइनली गाइस घूमते घूमते वापस ऑफिस पे आ चुके हैं और ऑफिस पे आते ही मम्मी पापा भी यहाँ पर आ चुके हैं, बाहर घूमने गए थे वो भी, तो वो लोग भी यहाँ पे आ चुके हैं। फाइनली गाइस घर पे आ चुके हैं, रात के बज रहे हैं 8 और अभी बन रही है घर पे पानी पूरी बहुत ही मजेदार चटाके वाली। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, बहुत मजा आया हमें तो, बहुत ही तरह तरह के एनिमल्स थे, बर्ड्स थे और बहुत घूमे, पूरे जू में घूमे हम। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।